हरियाणा के पानीपत में छठी क्लास के छात्र वंश के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जिला थाने में अपने हाथों टूटा हुआ दांत लेकर पहुंचा ये बच्चा पानीपत की डाबर कॉलोनी का रहने वाला है। बच्चे ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वंश ने बताया कि उनके स्कूल में मेहंदी प्रतियोगिता चल रही थी, इसी दौरान वह स्कूल की एक पहली कक्षा की छात्रा के हाथों में लगी मेहंदी को देख रहा था। इसी दौरान वंश की टीचर हैप्पी वहां पहुंचती है और वंश की थप्पड़ और डंडों से पिटाई कर देती है। छात्र वंश का आरोप है कि उसके बाद टीचर उन्हें प्रिंसिपल के पास लेकर जाती है और प्रिंसिपल वंश के मुंह पर डंडा मार देती है, जिससे वंश का दांत टूट जाता है और वो लहूलुहान हो जाता है। वंश ने बताया कि भरी क्लास में टीचर और प्रिंसिपल ने अभद्र व्यवहार किया और स्कूल में अनाउंसमेंट करा दी कि अगर कोई भी वंश के साथ बातचीत करेगा तो उस पर 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वंश ने इसके आगे बताया वो हैरान कर देने वाला था। वंश ने बताया कि पिटाई के बाद जब वह रो रो कर पानी मांग रहा था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने पानी तक नहीं दिया और बाद में वंश के दोस्तों ने चोरी चुपके से उसे पानी पिलाया। मैं ना पेड़ पे बैठा था और मेरी दोस्त की बहन ना छोटी सी वहाँ से जा रही थी, कॉम्पिटिशन और था ना मेहंदी का, वो मेहंदी लगा रखी थी। मैंने कहा बाबू अपनी मेहंदी दिखाइए, उन्हें मेहंदी दिखाई और नीचे से ना हैप्पी मैडम आई और मेरे दो चांटे लगा के ऑफिस में ले गई और ऑफिस में मारा। और दूसरी मैडम ऐसे कह रही यहाँ नहीं मारो, ग्राउंड में ले जाके मारो। ये बेटे कैसे टूटा दांत, किसने क्या? ये मैम ने डंडा मारा था। कौन सी मैम थी? प्रिंसिपल मैम ने। तो उसके बाद आपके हालात कैसे थे? खून निकला था बहुत सारा, कपड़े भी खून से हो गए थे मेरे और बैग भी। फिर आपने बेटे कहाँ गए, आप किसको बताया? फिर स्कूल की छुट्टी आई, फिर मम्मी को 4 बजे पता लगा, मैं बेहोश हो रहा था स्कूल में और मैम ने पानी भी नहीं पिलाया, मेरे दोस्त ने पानी पिलाया मुझे। पानी मांग रहे थे, पानी भी नहीं पिया। और तो कोई कसूर नहीं था बेटा आपका? नहीं, सिर्फ यही बात थी। तो कौन कौन सी मैडम थी, सबका नाम बता दो, किस किसने मारा? एक प्रिंसिपल मैम थी, एक हैप्पी मैम थी और एक शिवानी मैम थी। डंडा किस मैम ने मारा आपको? प्रिंसिपल मैम ने मारा डंडा। कहाँ दिखा हुआ? ये दांत सीधा मारा ऐसे? यहाँ ये दांत टूट गया है, ये रहा दांत, और यहाँ पे मारा, दांत हाथ पे रख के दिखा, और यहाँ टांग पे मारा है, सर पे थप्पड़ मारते, मुंह पे मारते थप्पड़। स्कूल की छुट्टी के बाद वंश खून से लथपथ घर पहुंचा तो माँ सोनिया के होश उड़ गए और सोनिया अपने बेटे वंश को लेकर किला थाने पहुंची, जहां पर स्कूल की टीचर हैप्पी और प्रिंसिपल पूनम के खिलाफ शिकायत दी गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रिंसिपल और टीचर पर जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नव निर्माण विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ता है 6th क्लास में, और ये 4:15 मारपीट की है उन्होंने, और 4 बजे मेरे पास 3-4 बच्चे लेके आए हैं। इसको बुरी हालत थी इसकी, तो कि आंटी देखो इसकी बुरी हालत है। तो मैंने जब पूछा, मैंने कहा ये हालत कैसे हुई, तो ये बताने लगा कि प्रिंसिपल ने और हैप्पी मैडम ने और सुमन मैडम, शिवानी मैडम ने पिटवाया मुझे, और सुमन उस क्या नाम हैप्पी मैडम ने और प्रिंसिपल ने डंडा मारा, हैप्पी मैडम ने 2 थप्पड़ मारे। और फिर मैंने इसे ये भी पूछा, मैंने कहा क्या करा था आपने, तो कह रहे मैंने ना छोटी सी बच्ची थी 1st क्लास की, उसकी मेहंदी देखी थी। तो फिर मैंने प्रिंसिपल के पास फोन किया, तो मैंने पूछा, मैंने कहा बच्चे को इस बुरी तरीके से मारने की वजह, तो मैडम बोली ये तो कुछ भी नहीं मारा, अपने बच्चे की हरकत सुनोगे ना तो आप भी कहोगे कि इसको और मारो। तो मैंने पूछा, सुनने में आया कि इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, ब्लड भी आगे को, हाँ जी हाँ जी, पानी तक भी नहीं दिया, स्कूल के बच्चों ने इसको पानी दिया और मैडम ने बच्चों को बोल दिया 50 रुपए फाइन लगेगा जो अगर बच्चा इसके साथ बोलेगा, और टीसी पे लिख दिया जाएगा इस बच्चे का कहीं एडमिशन ना हो और इसकी सेम कराई जाए पेंट निकाल के। हाँ जी, कितनी मैडम ने मारा इसको? इसको 2 मैडम ने मारा, एक हैप्पी मैडम ने और एक प्रिंसिपल मैडम ने, और शिवानी मैडम ने हौसला दिया इसको बाहर निकाल के मारो। तो अभी कोई गलती मान रहे बोलो अपनी या नहीं मान रहे? अभी भी कुछ नहीं, अभी कोई गलती नहीं मान रहे। पुलिस में कंप्लेंट दे दी आपने? हाँ जी दे दी। ये कहते हैं बार से बार बेल करा, तो क्या कार्रवाई की है पुलिस ने अभी तक? अभी कुछ नहीं, अभी अंदर जाएंगे, अभी सिर्फ मामला दर्ज। हाँ जी, तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ? उनके खिलाफ चालान कटना चाहिए। किला थाना SHO जाकिर ने बताया कि वंश की मां की शिकायत पर टीचर और प्रिंसिपल पर मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। वहीं जब इस मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन का पक्ष जानना चाहा तो स्कूल प्रबंधन ने स्कूल की छवि खराब ना हो इसका हवाला देते हुए पक्ष देना उचित नहीं समझा और ऑफ कैमरे पर अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया। हाँ, कल एक दरखास्त प्राप्त हुई थी, बच्चे के 6th क्लास का बच्चा था, मारपीट की रिगार्डिंग, उसे मुकदमा दर्ज कर लिया, इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या बताया सर परिवार ने कुछ?
बच्चे की मारपीट के बारे में बताया, टीचर ने मारपीट की है, इसके साथ उसके एक दांत भी निकला हुआ है, तो उस बारे में ओपिनियन ली जाएगी डॉक्टर से, डेंटिस्ट से, और इन्वेस्टिगेशन जारी है। केस दर्ज कर लिया? केस दर्ज कर लिया।